2022 में सबसे ज़्यादा किस गाने ने कमाई की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि भोजपुरिया स्टार को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि हमारे इस चैनल पे कुछ ऐसे अपडेट आपको तैयार किए जा रहे हैं जिससे जो हमारे सिंगर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारे डांसर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन चल रहा है जिसका सलूशन 100% अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सलूशन 100% आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा कमाई की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कमाई पवन सिंह के गाने से हुई है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई खेसारी लाल यादव के गाने से हुई है। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि वाकई में सबसे ज़्यादा कमाई किसके गाने से हुई है, क्योंकि भोजपुरी में आए दिन कोई ना कोई पर डे किसी ना किसी स्टार का गाना सोशल मीडिया पे वायरल करता रहता है और ट्रेंड करता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो भोजपुरी का जो RPM है, कमाई का जो यूट्यूब से सोर्स का ज़रिया है, वो बिल्कुल थर्ड पार्टी के ऐड से लिया जाता है, जिसमें इनकम अगर देखा जाए तो बहुत कम जनरेट होता है। लेकिन जिस हिसाब से अगर किसी हिंदी गाने पे अगर व्यूज़ चला जाए तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी कमाई हो सकती है जितना व्यूज़ भोजपुरी गाने पे जाता है। लेकिन रिकमेंड के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला आज के डेट में अगर देखा जाए तो पहला नंबर जो है, अगर हम बात करते हैं सिंगर की, तो आज के डेट में खेसारी लाल यादव हैं, जो कि आज के डेट में आए दिन उनका मार्केट में जो आज तक टोटल के टोटल उनका 17 गाना रिलीज हो चुका है और 17 गाने में से इनका 16 गाना जो कि बहुत तेज ट्रेंडिंग में चला है और 16 गाना में से उनका एक ही गाना पॉपुलर हुआ है, ले अय्या कोका कोला। और ले अय्या कोका कोला जो इनका गाना आया है, इस गाने ने बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग मचा दिया सोशल मीडिया पे और इसी गाने से सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव की कमाई हुई। बेशक अगर देखा जाए तो पवन सिंह का सट्टे पे पैसा, ये सब तमाम गाना जो रिलीज हुआ है उस पर अगर देखा जाए तो मिलियन व्यूज़ तो उस पर गया, लेकिन 12 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन और खेसारी लाल यादव का जो ये कोको कोला वाला गाना है, इस पर अगर देखा जाए तो सभी गाने का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। तो बेशक आप समझ सकते हैं कि जो 2022 में अगर एल्बम के हिसाब से अगर देखा जाए, जो स्टार लोग अपने एल्बम बनाते हैं या उनका गाना मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसके मुकाबले के अनुसार अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव फर्स्ट रैंक पर आते हैं और खेसारी लाल यादव के गाने से बहुत ज़्यादा कमाई हुई है। तो बेशक आपके भी मन में अगर कोई भी